इस वीडियो में हम समझेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी एनर्जी बैंड थ्योरी फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने में मदद करता है सिंपल एटॉमिक मॉडल हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटॉमिक न्यूक्लिया ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं लेकिन एनर्जी बैंड थ्योरी हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी देता है हम जानते हैं कि मैटर अपना स्टेट कॉन्टिन्यूसली बदलते हैं जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टी बदलती रहती है यह सभी मैटर में मौजूद एनर्जी के कारण होता है जो कि मैटर को स्टेबिलाइज और डिस्टेबिलाइज़ करता है जब एटम्स एक साथ जुड़ते हैं तब कंपाउंड बनाते हैं तब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जीज़ बनाते हैं इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं जिससे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनते हैं इन एनर्जी लेवल्स के सेट को एनर्जी बैंड कहा जाता है आइए जानते हैं कि एनर्जी बैंड कितने टाइप के होते हैं एनर्जी बैंड दो टाइप के होते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वैलेंस वैलेंस बैंड बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम में लोअर बैंड होता है ये बैंड पार्शली या कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल होता है ये एनर्जी बैंड कभी खाली नहीं होते इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करने के लिए केपेबल नहीं होते जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम का अपर बैंड होता है कंडक्शन बैंड में जीरो कैल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड खाली या फिर पार्शली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन कर सकते हैं जिसकी मदद से वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे एनर्जी गैप कहते हैं यह एनर्जी गैप मटेरियल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है एनर्जी बैंड के बेसिस पर सॉलिड को तीन कैटेगरी में बांटा गया है कंडक्टर इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं कंडक्टर कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से मूव करते हैं मेटल्स जैसे कॉपर या एल्यूमिनियम कंडक्टर्स होते हैं इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते बैंड गैप ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते ग्लास रबर सरामिक्स इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैंम्स सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच बहुत कम गैप होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि हम टेम्परेचर बढ़ाकर या फिर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करके प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसा करने पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं और कंडक्शन बैंड में मूव कर पाते हैं इसके बावजूद सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल